नमस्कार आदाब, आइए रूबरू कराते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी होने वाली महापंचायत से। हम आपको बता दें कि जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर ऐतिहासिक रैली होने वाली है किसानों की, जिसका नाम दिया गया है संयुक्त किसान मोर्चा। और संयुक्त किसान मोर्चा की ये जो किसान महापंचायत होगी GIC के मैदान में 5 सितंबर को आयोजित की गई है। राकेश टिकैत जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है वहाँ पर पहुँचेंगे, नरेश टिकैत राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी पहले ही घोषणा कर दी है। इससे पूर्व ही यहाँ पर दूर दराज के किसान पहुंचना शुरू हो गए हैं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आज मंच साझा हुआ, दोपहर भर पूरी तरह से तैयारियां चलती रही है। क्या रोड मैप होगा, क्या होगा खाने की व्यवस्था और कौन बोलेगा, कहां बैठेगा, इन सब बातों पर पूरी तरह से मंथन किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरें कि यहाँ पर किसान आज प्रातःकाल से ही आने शुरू हो गए हैं। एक दिन पूर्व ही दूर दराज से कई राज्यों से यहाँ पर किसानों का आने का सिलसिला जारी है और माना जा रहा है कि 5 सितंबर को जनपद मुजफ्फरनगर में किसानों की ऐतिहासिक रैली होगी जो कि कृषि कानूनों के खिलाफ है। हम आपको बता दें बॉर्डर पर किसान काफ़ी समय से बैठे हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसान वहां पर अपनी मांगों के लिए बैठे हैं, लेकिन अभी तक सरकार और किसानों के बीच कोई समझौता ना होने की वजह से एक बड़ी पंचायत जो है GIC जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर आयोजित की जाएगी। देख सकते हैं भंडारों का आयोजन किया गया है, खाने के स्टॉल लगाए गए हैं और जैसे ही यहाँ पर किसान पहुँच रहे हैं उनको खाना भी खिलाया जा रहा है। और जो सेवक हैं, चाहे वो सुजड़ू का क्षेत्र हो, चाहे आपका मीनाक्षी क्षेत्र हो, खालापार का क्षेत्र हो या जानसठ क्षेत्र हो, दूसरे रोड हो, मुख्य रोड हो, शामली रोड हो, सभी पर स्टॉल लगाए गए हैं। खाने की व्यवस्था की जा रही है, पानी की व्यवस्था की जा रही है। पल पल की अपडेट के लिए हम भी मौजूद रहेंगे, 5 सितंबर को सीधा लाइव दिखाएंगे, बार और बेंच पर सीधा लाइव देखिएगा। वहीं DGP स्तर से लेकर SSP स्तर तक सभी ब्रीफिंग शुरू हो गई है। पुलिस अधिकारियों को कर्मचारियों की बैठक ली गई है, उनको हिदायत दी गई है हर हाल में शांतिपूर्ण संपन्न हो ये महापंचायत और असामाजिक तत्वों पर रखी जाए कड़ी निगाह। आप देख सकते हैं अभिषेक यादव जो कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं जनपद मुजफ्फरनगर में, रात्रि को भी चेकिंग अभियान चलाए हुए हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस है। लेकिन इसी दौरान दूर दराज से किसानों का काफिला चल पड़ा है और GIC के मैदान में जो किसान है, भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं, इसके अलावा जो पंजाब, हरियाणा, केरल और दूसरे गैर जनपद के अलावा खास तौर से जो जनपद मुजफ्फरनगर के निकटवर्ती और दूर दराज तथा दूसरे राज्यों के किसान हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचेंगे और ये ऐतिहासिक महापंचायत होगी जो पूरी तरह से साबित करेगी कि भारतीय किसान यूनियन का कितना वजूद है, किसानों का कितना वजूद है, किसानों की मांग कितनी जायज़ है और आने वाले वक्त में इस महापंचायत के बाद क्या निर्णय होंगे, ये भी साफ हो जाएगा 5 सितंबर की ऐतिहासिक पंचायत में। बने रहिएगा मेरे साथ, आरिफ शीशमैली चीफ एडिटर, बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर GIC मैदान से पूरी तरह से दिन भर की कवरेज के साथ मैं मौजूद रहूँगा। और राकेश टिकैत जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने भी साफ कर दिया है कि यदि उनका किसी भी किसान को रैली को रोका गया तो बैरियर तोड़कर किसान हर हाल में पहुँचेंगे, लाखों की संख्या में किसान पहुँचेंगे ऐसा दावा किया जा रहा है। पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद है लेकिन किसानों का काफिला निकल पड़ा है जो कि आज 5 तारीख में बड़ी ऐतिहासिक रैली करने जनपद मुजफ्फरनगर में।